खवातीन हजरात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक। अल्लाह का बहुत फजल करम है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी ढंग से गुजर रही है। आज हम लोग आपको ज़बरदस्त एक बर्गर कंपनी पे लेके आए हैं। बर्गर कंपनी पे ज़बरदस्त बर्गर रखते हैं, बहुत से वैरायटी के इनके पास बर्गर्स हैं, वेज नॉन वेज। और माशाल्लाह जो नॉन वेज ये लोग सर्व करें वो मशरूम पोल्ट्री से आ रहा है, जो कि 100% हलाल है। चलिए अंदर चलते हैं, पूरा इनकी सीटिंग दिखाते हैं, इनका मेन्यू दिखाते हैं और फिर यहाँ पर जो मैम है उससे पूछते ही बात करने आ जाए। लोकेशन आपको दिखा देते हैं हम लोग, लोकेशन आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सामने देखिए आप, वो जो जहाँ पे तारगढ़ की जो फेमस जो शॉप है जहाँ पे चाय मिलती है, उसके एकदम सामने इनकी लोकेशन है। आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। चलिए अंदर चलते हैं। और इनके यहाँ पे दो टाइप की सीटिंग है, आप यहाँ इनका एक तो ग्राउंड फ्लोर है और एक इनका फर्स्ट फ्लोर है। पूरा आपको रेस्टोरेंट हम लोग दिखा देते हैं, उसके बाद फिर पूरा मेन्यू आपको दिखाएंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मैम उससे पूछेंगे कि क्या क्या स्पेशल चीज़ें यहाँ पे वो लोग सर्व करें। बर्गर्स तो बहुत सारे हैं, इसके साथ साथ पिज़्ज़ाज़ हैं इनके पास में, पास्ता है और सब कुछ हलाल है माशाल्लाह। जैसे मैंने इनसे पता किया था तो मशरूम पोल्ट्री से इनका चिकन आता है, जो कि हमें हमारे मिलने वाले भी और बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। चलिए देखो, आपको ये सीटिंग हमें दिखा दिया, मैम आए ना। तो बस ये एक आपको सीटिंग हमें दिखा दी और यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे गेमिंग रूम के तौर पर बनाया हुआ है। जैसे अगर कोई बच्चे आते तो अभी पता ही आपको के खेलने के भी वो तो लोग ट्राई करेंगे। हमने कितनी सारे बर्गर्स के यहाँ पे बनाए हैं लेकिन ये मैंने सुना है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए पूरा सीखने को दिखा दिया, हम लोग मेन्यू दिखेंगे फिर चलेंगे, देखते हैं इनसे परमिशन लेंगे कि हमको किचन में अलाउड कर दे एक रेसिपी, हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। आपको दिखा दिया मेन्यू हमारे सामने है और हमने मैम से पूछा है इनके यहाँ पे, अगर आप वेज की बात करेंगे तो वेज में इनका वेज द गोस्ट राइडर बहुत फेमस है, पंजाबी गबरू बहुत ज़बरदस्त है। वेज द गोस्ट राइडर जो है वो थोड़ा बहुत स्पाइसी रहेगा और हम लोग तो नॉन वेज के शौकीन है, तो हम लोगों को मैम ने कहा है कि आप इनका जो मिस्टर क्रंचो एग आप ये ट्राई कर सकते हैं और एक और हम लोग ट्राई करेंगे चिकन। मैं देख रहा था चिकन, मैं सोच रहा था चिकन गोस्ट राइडर हम लोग इसमें नॉन वेज में ट्राई कर लेंगे। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं। और हाँ, इनके पास में इंजेक्टर्स भी है जो बहुत ज़बरदस्त काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। और अगर कूलर्स की बात करेंगे तो हम लोग सोच रहे थे स्पार्कलिंग सनराइज़ का हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये चार पांच चीज़ें लेंगे। चलो पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। अशल हमारे साथ में, कैसे लग रहा है आपको इंडिया? अच्छा, मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है। चलो ना, बदमाशी का भी करते ना। और अशल के पास बहुत सारे टैलेंट भी है जो कि हम आपको कभी बताएंगे वीडियो में, पाँच छः इनके पास ज़बरदस्त टैलेंट है जो सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। किस्मत रानी भी हमारे साथ में नहीं। हाँ चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि किचन में हम लोग शूट करेंगे लेकिन हमको परमिशन नहीं मिली। यूजुअली ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई परमिशन नहीं देता है, बिकॉज हमने इतने सारे वीडियोस शूट किए हैं, 99% हम लोगों ने सब जगह किचन का शूट किया है, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो यहाँ पे खाने का रिव्यू करने के लिए आए हैं। तो चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करें। वेज बर्गर्स का मैंने जैसा आपको बताया था, इनका पंजाबी गबरू बहुत ज़बरदस्त है और साथ साथ में देखिए पूरा मेन्यू हम लोग दिखा रहे हैं। प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है और वेज गोस्ट राइडर भी हम लोग ट्राई करेंगे। फ्राइज इनके पास में देखिए, उसके बाद आप नॉन वेज में आ जाए, नॉन वेज इज 100% हलाल, तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। देखिए प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है, हम लोग इनका लेंगे मतलब ये मिस्टर क्रंचो लेंगे एक, तो ये बर्गर इनका काफ़ी ज़बरदस्त है। और एक और देखो, सबसे पूछेंगे कौन सा हम लोग लेते हैं। एपेटाइजर्स इनके पास में, मोमोज इनके पास में, पिज़्ज़ाज है, कूलर्स आपको मिल जाएंगे, मिल्क शेक्स आपको मिल जाएंगे, कॉफ़ी भी यार ज़ोरदार, वफल्स मिल जाएंगे, पास्ताज इनके पास में, इंजेक्टर्स भी जैसे मैम ने बताया था, तो हम लोग ये भी एक ट्राई करेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या आता है। और एक हम लोग लेंगे इनका ये स्पार्कलिंग सनराइज, ये कूलर में आता है। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया, अब हम लोग वेज द गोस्ट राइडर, एक पंजाबी गबरू कर दे, पंजाबी गबरू, एक ये रेस्टोरेंट क्रंचो कर दे, क्रंचो, और एक कर दे चिकन माइटी चीज, चिकन माइटी चीज, और एक आप कर दें, ज़्यादा नहीं हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी लोग हैं, और एक आप कर दें रेगुलर क्रंचो बास्केट, बास्केट नहीं है तो उसको बोलो, चलो कोई बात नहीं, बास्केट के अलावा
कौन सा वाला? चिकन रंचो। वो सेम आ जाएगा ना फिर ना? चलो एक ही कर दो, एक चीज़ चिकन क्रंचो हमने कर दिया। हम लोगों ने बर्गर्स हो गए एक दो तीन, तीन और दो पाँच। हम लोगों ने बस बास्केट हम लोगों ने डिसाइड किया था, लेकिन बास्केट उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ये पांच हमारे बर्गर्स हो गए, फिर बाद में देखते हैं कि हम लोग इनके कूलर्स और वो ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं कितनी गुंजाइश बचती है। क्योंकि मेरे सिस्टर अभी तक आए नहीं, हम उनका वेट कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो और चीज़ें मंगाएंगे, वरना फिर हम लोग यहीं ये चीज़ें ट्राई करेंगे। कितने हो गए सर? मोबाइल नंबर 9 की बारी है। हमारे बर्गर्स आ चुके हैं। तो कौन कौन से भैया ये? ये मिस्टर क्रंचोस, ये थ्री चिकन क्रंचोस, ये पूरा, ये सारे नॉन वेज के ना? और ये वाला ये नॉन वेज, ये नॉन वेज कौन सा वाला बताया था मैंने? ये चिकन माइटी, चिकन माइटी चीज़ है। ये है इनका, ये कौन सा वाला? मिस्टर क्रंची है, और ये चीज़ क्रंचो वाला है, और ये हमारा जो चिकन चीज़ माइटी हमने मंगाया वो है। और ये कौन सा वाला? ये गोस्ट राइडर, देखिए इसको ओपन करते हैं। ये इनका गोस्ट राइडर बर्गर है, ये ज़बरदस्त यार। साइज़ देखो आप गोस्ट बर्गर की, ये सबसे स्पाइसी, अगर आप यहाँ की बात करेंगे बर्गर कंपनी की, सबसे स्पाइसी अगर जो है वो इनका गोस्ट बर्गर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनका पंजाबी गबरू ऑर्डर किया था, इसकी भी साइज़ आपको बता दें। देखिए ये पंजाबी गबरू बर्गर, ये दोनों हमने वेज आपको बता दिए हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको भी अनरैप करते हैं। अनरैप करने का मतलब ये क्या, पूरी सारी चीज़ें हम लोग दिखा देंगे यार। ये इनका मिस्टर, ये मिस्टर कंचो है, और ये चीज़ी कंचो है, और ये चीज़ माइटी बर्गर। चलिए पहले फ़ोटो खिंचा दें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जब जो मिस्टर मिस्टर कंट्री बर्गर है वो हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए इसकी सभी वो दिखाते हैं अंदर, पूरी क्रिस्पी इन्होंने चिकन यूज़ की है, उस पर सॉसेज है और नीचे लेटस है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। मस्त है यार। बन की क्वालिटी की बात करेंगे तो एकदम फ्रेश इनके बन थे, बहुत सॉफ्ट है। देखिए बहुत सॉफ्ट बन है इनके, और ऊपर से इन्होंने ये सी सॉस की पूरी कोटिंग की है। कौन सा नॉनवेज हो गया, अब एक का पंजाबी गबरू बर्गर। देखिए फ्राइड पैटीज इन्होंने यूज़ किए, ऊपर इसमें अनियन है, टमेटोज है, और लेटिस का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने गबरू ट्राई कर लिया, हम लोगों ने मिस्टर कंचो ट्राई कर दिया, अब ये चिकन माइटी की बारी है। डबल पैटीज है, देखिए सॉस बहुत ज़बरदस्त है यार, शायद ये लोग इन हाउस पूरे सॉस तैयार करते हैं। अच्छा रिव्यू करना है, रिव्यू करना है चलो। हाँ अच्छा, ये रिव्यू करेंगे। चलिए कौन सा वाला है भाई? ये चीज़ी क्रंचो वाला, और तहा ये वाला सबसे स्पाइसी वाला। ठीक है चलो चलो ट्राई करो। तहा को वैसे भी स्पाइसी खाना बहुत पसंद है यार। बर्गर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं, तो इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें, और इनके नंबर भी डाल देंगे। अगर नहीं मिले तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आप आराम से इनके ये जगह पे पहुँच सकें। कैसा लगा आपको? पापा ट्राई करेंगे। ये सबसे स्पाइसी वाला जो बर्गर है उसको ट्राई करता हूँ। जोरदार यार, अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। साथ साथ में इन्होंने जो स्पाइसेस जो यूज़ किए वो भी टॉप क्वालिटी के, और जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं उसका जो प्रोपोर्शन है ना वो एकदम परफेक्ट है। मतलब कुछ भी ओवर स्टफिंग नहीं है, या मतलब जैसे कभी कभी होता है कि बर्गर्स में सारी स्टफिंग बाहर आ रही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। बर्गर कंपनीज का जो बर्गर्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के वीडियो ख़त्म करेंगे। वो ये फ्राइज़ भी काफ़ी फेमस है। कौन से फ्राइज़ हैं ये? टीबीसी रोटी है, टीबीसी चीज़, टीबीसी चीज़
लोडेड, देखिए यार ज़बरदस्त। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे, पूरा चीज़ से लोडेड है यार, देखें सब जगह चीज़ ही चीज़ नज़र आ रहा है। ये चीज़ सब, ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको बर्गर कंपनी पर आना पड़ेगा, इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। हमारा जो एक्सपीरियंस रह रहा है यार यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहा है, हम लोगों ने काफ़ी सारे बर्गर ट्राई किए और हमने दो तीन और हमने ऑर्डर दिए यहाँ पे। बेस्ट तो मेरे को जो मिस्टर क्रंच है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, और अगर वेज की बात करेंगे तो गोस्ट राइडर जो बर्गर है वो वाकई में स्पाइसी था और मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ में हम लोग इनके फ्राइज़ भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कि ये कैसा रहता है, क्योंकि बच्चे अगर साथ में होते हैं तो फ्राइज तो उनको चाहिए और वो भी फुली लोडेड विद चीज़। मस्त है यार, वो अच्छा बच्चों के साथ में शूट करने का मज़ा आता है यार। हम लोग हैदराबाद गए थे, उनको लेके नहीं गए थे, लेकिन उनको हमने बहुत मिस किया था वहाँ पे भी, आपको पता ही है कितना मज़ा आया था, लेकिन हम लोगों ने बहुत मिस किया। खाना बहुत ज़बरदस्त था, कैसा लगा? अच्छा। और ज़बरदस्त है, कैसा अच्छा आपको कैसा लगा? तो चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, किसका को भी ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और हमने और बर्गर्स के ऑर्डर दिए वो ट्राई करेंगे और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। फोटो का यहाँ पे बर्गर कंपनी में जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने यहाँ पे तीन तो नॉनवेज बर्गर ट्राई किए और दो वेज बर्गर ट्राई किए, वाकई में जो बर्गर्स थे वो काफ़ी ज़बरदस्त थे, और सबसे बड़ी बात इनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी रीजनेबल थी, इनकी लोकेशन भी काफ़ी एक्सेसिबल है, जो रेलवे स्टेशन है उससे एकदम नज़दीक है, उनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी के तो फिर मुलाकात होगी, शादाब टॉक्स को देखते रहें और आप इस शेयर का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।